सब्सक्राइब कीजिए धे आईएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा धे आईएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं धे टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में आई कोरोना की दूसरी लहर के विषय में और समझेंगे कि इस दूसरी लहर के लिए कौन जिम्मेदार है। तो समझेंगे इस दूसरी लहर के लिए भारतीय एक्सपर्ट्स किसको जिम्मेदार मान रहे हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO किसको जिम्मेदार मान रहा है, लैंसेट जो बहुत ही नामी गिरामी जर्नल प्रकाशन है वह किसको मान रहा है, और अन्य समीक्षकों के अनुसार जो दूसरी लहर यह उत्पन्न हुई है वह किसके वजह से हुई है, इसको हम समझेंगे। कुल मिलाकर दूसरी लहर के जितने भी संभावित कारण बताए जा रहे हैं उनको हम समझने का प्रयास करें। यह समझना हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस साल के प्रारंभ में हमारे यहाँ कोरोना की जो रफ्तार थी वह काफ़ी सीमित हो गई थी और बहुत कुछ केसेस आ रहे थे, 8 से 9 हज़ार केसेस आ रहे थे। उससे संभावना व्यक्त की जा रही थी कि जल्द ही भारत जो है कि क्या होगा, कोरोना मुक्त हो जाएगा। लेकिन फरवरी के दूसरे सप्ताह से ही मरीजों की संख्या बढ़ने लगी और आज की स्थिति आप देख सकते हैं, प्रतिदिन 4 लाख से अधिक केसेस आ रहे हैं, 4,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। तो कहीं ना कहीं हमें समझना होगा कि ये जो दूसरी लहर आई है वह किन किन खामियों की वजह से आई है। तो सबसे पहला जो मत है वो भारतीय एक्सपर्ट्स का ही हम लेते हैं। भारतीय एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना के जो अलग अलग वेरियंट भारत में आए हैं उनकी वजह से ऐसा हुआ है। ब्रिटेन का वेरियंट है, ब्राजील का है, दक्षिण अफ्रीका का, न्यूयॉर्क के, कई अलग अलग देशों के वेरिएंट भारत में आए और फरवरी के दूसरे सप्ताह से ही ये जो नए वेरिएंट से मिलने लगे और इनका प्रसार होने लगा। और इसके वजह से क्या हुआ कि जो कोरोना के केसेस बढ़ने की रफ्तार थी वह बढ़ गई। मार्च के अंत में ही NCDC अर्थात नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने कहा कि भारत में डबल म्यूटेंट के जो वायरस हैं कोरोना के वो मिलने लगे। डबल म्यूटेंट का मतलब होता है कि कोरोना के दो वेरिएंट का मिलकर एक साथ म्यूटेंट करना। आगे मैं बताऊंगा म्यूटेंट क्या होता है, है ना, वेरिएंट क्या होता है, इसको मैं समझाऊंगा। बस अभी ये समझिए कि मान लेते हैं एक जो है कि कोरोना का वेरिएंट है ब्रिटेन का, एक अफ्रीका का है, और कोई व्यक्ति इन प्रभावित होता है इन दोनों ही वेरिएंट से, तो क्या माना जाएगा कि वो डबल म्यूटेंट का शिकार है। तो हमारे यहाँ मार्च के अंत में ही नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने कह दिया कि डबल म्यूटेंट की जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। डबल म्यूटेंट होने का, केसेस बढ़ने का मतलब है कि अब इसकी जो कोरोना की जो घातकता है उसका जो प्रभाव है वह बढ़ता जा रहा है। मार्च में ही 15 से 20% जो केसेस हमारे पास आ रहे थे वह नए वेरिएंट के थे, अर्थात जिस कोरोना को हम लास्ट ईयर देख रहे थे उसी है जो है कि नया वेरिएंट सामने आ चुका था। नया वेरिएंट था और साथ ही साथ इसमें कुछ वेरिएंट ऐसे थे जो बहुत तेजी से प्रसारित हो रहे थे, जैसे ब्रिटेन का वेरिएंट जो कि 50% अधिक तेजी से फैल रहा था। और इसके वजह से क्या हुआ कि नए वेरिएंट डबल म्यूटेंट के जो वायरस थे उन्होंने क्या किया, अपना प्रसार जो है कि अंदर अंदर बनाए रखा, तेजी से फैलते चले गए। भारत में इस समय B.1.617 जो वेरिएंट है तेजी से फैल रहा है और इसे ही क्या कहा जा रहा है, दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। और यह जो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तेजी से फैलता भी है, अर्थात परिवार में अगर एक व्यक्ति संक्रमित होता है तो कई लोगों को संक्रमित करने की क्षमता इस वेरिएंट के अंदर है, जबकि पहले वाले जो वेरिएंट थे उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं थी। इसकी वजह से क्या होता है, यह तेजी से फैलता है और जिनका इम्यूनिट सिस्टम जो है थोड़ा भी कमजोर होता है उनके इम्यूनिट सिस्टम को अर्थात प्रतिरक्षा तंत्र को ये चकमा देने में सक्षम है और उसके वजह से इसकी घातकता बढ़ती जा रही है। भारत में कुछ नए जो अन्य वेरिएंट सामने आए हैं उसमें है E484Q, दूसरा है L452R, 5P681R, ये कुछ वेरिएंट्स हैं। खैर इसमें हमें नहीं समझना है, हमें यह है कि वेरिएंट्स की जो डाइवर्सिटी है वो बढ़ती जा रही है, इसको पहला फैक्टर माना गया। तो थोड़ा सा म्यूटेशन और जो है कि वेरिएंट में समझ लीजिए। सामान्यतः जो भी वायरस होता, कोरोना ही नहीं कोई भी वायरस होता है, जब वो मानव शरीर में प्रवेश करता है तो उसको क्या होता है, मानव शरीर में बनने वाले
एंटीबॉडी से लड़ना पड़ता है। तो क्या करता है, उस एंटीबॉडीज को चकमा देने के लिए या हमारे शरीर में अपना प्रसार तेजी से करने के लिए अपने अंदर कुछ परिवर्तन लाता है और यह क्रियाविधि क्या कहलाती, म्यूटेशन कहलाती। अब जो हमारे शरीर आपके शरीर में वायरस आया, उसने क्या किया, म्यूटेशन कर लिया। और ये जो म्यूटेंट वायरस है, अब मान लेते हैं संक्रमण हमसे किसी दूसरे को होगा, तो क्या हो चुका है, वो जो हमारे अंदर वायरस है वो अपने आप को म्यूटेंट कर चुका है। तो यह म्यूटेंट वायरस जब दूसरे को संक्रमित करेगा या हमसे दूसरे में संक्रमण जाएगा, तो हम कहेंगे ये नया वेरिएंट है। तो इसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि जो नए वेरिएंट आए, म्यूटेंट वेरिएंट आए, इन्होंने क्या किया, भारत में कोरोना के केसेस को बढ़ा दिया। पहला तो कारण यह था कि वेरिएंट्स की डायवर्सिटी कम हो। दूसरा है, कहा जा रहा है कि कोरोना के जो प्रोटोकॉल है हम लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे थे। सही बात है, आप अपने आस पड़ोस में देखिए कितने लोग कोरोना के प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे थे, कितने लोग सही से मास्क लगा रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे, घरों पर आवागमन कम कर रहे थे, पार्टियों में जो है कि कम आ जा रहे थे, नाइट आउटिंग कितने लोग कर रहे थे, आप देखिए तो आपको सही में लगेगा कि हम प्रोटोकॉल हम लोग पालन नहीं कर रहे थे। तीसरा है कि वैक्सीनेशन की जो हमारी रफ्तार थी हमारे यहाँ, उसको भी धीमा बताया गया। कहा गया है कि वैक्सीनेशन की जो रफ्तार हमारे यहाँ होनी चाहिए थी, उस दर से हम आगे नहीं बढ़े, जिसका खामियाजा हमें इस समय देखने को मिल रहा है। इसके पीछे ये भी कारण बताया जा रहा है कि जो वैक्सीनेशन था, कि उसके विषय में जो वैक्सीन थी उसके विषय में सही जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचाया गया, लोगों में उत्साह नहीं था और साथ ही साथ लोगों में डर भी नहीं था कि जो अगर हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो आगे आने वाले समय में हमारी चुनौती उत्पन्न हो सकती। इस समय देखिए हर व्यक्ति वैक्सीन प्राप्त करना चाहता है, लेकिन अभी 2 महीने पहले ये कंडीशन नहीं थी, तो इसको भी कारण माना जा रहा है। जैसे आंकड़े बताते हैं कि मार्च में ही 60+ उम्र के लोगों को लोगों का टीकाकरण अभियान प्रारंभ किया गया, तो केवल 7% लोगों ने दोनों डोज ली और केवल 5% लोगों ने सिंगल ही डोज ली। आप समझ सकते हैं ये आंकड़े कितने छोटे। अगला कारण बताया जा रहा है कि समीक्षकों यही मानना है कि सरकार ने जो वैक्सीन के निर्यात पर अपना पूरा फोकस किया, अंतरराष्ट्रीय संबंधों को जो महत्व दिया, उसकी वजह से भारत में जो वैक्सीन का जो शॉर्टेज है वो क्रिएट हुआ और उसकी वजह से ये कंडीशन आई। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि जो पहले लोगों में एंटीबॉडीज बनती थी वो खत्म हो रही है, अर्थात इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी IGIB के अनुसार 20-30% लोगों में 6 माह के बाद ही एंटीबॉडीज खत्म हो जा रही है, अर्थात जो लास्ट ईयर लोग शिकार हुए थे वो भी अब शिकार हो रहे हैं। इसके पीछे का कारण है कि जो उनके अंदर कोरोना को लेकर एंटीबॉडी बनी थी, अब वह जो है कि कम प्रभावी हो गई है और जो नए वेरियंट आए हैं उसके वजह से ये खतरा और बढ़ता जा रहा है, जिसके जैसे जो अब क्या हो रहे हैं वो लोग भी संक्रमित हो रहे हैं जो पहले हो चुके थे। इसके अलावा नौजवानों के में जो लापरवाही ज्यादा दिखा और इसी के कारण इसमें संक्रमण उनमें ज्यादा दिखाई दे रहा है, इसको कारण माना जा रहा है। अगला पॉइंट कहा जा रहा है कि केंद्र और राज्यों द्वारा एक दूसरे से सही तरीके से इंटीग्रेशन नेटवर्क जो है कि समन्वय बनाने का प्रयास नहीं किया गया और इसके वजह से कोरोना को लेकर जो हमारी एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए थी उसको हम आगे नहीं बढ़ाए। इसके अलावा कहा गया है कि टेस्टिंग की संख्या कम कर दी गई जैसे जैसे केसेस होने लगे, जबकि टेस्टिंग की संख्या को बनाए रखा जाना चाहिए था, तभी हम सिंगल केसेस को भी जो है कि ट्रैक कर सकते थे। इसके अलावा कहा जा रहा है कि भारत में जो 20-25% और कहीं तो इससे भी अधिक पॉजिटिविटी रेट जो सामने आई, इस पर भी हम सचेत नहीं हुए, जबकि WHO का मानना है कि जब तक पॉजिटिविटी रेट का मतलब है कि अगर 100 लोग जाते हैं टेस्ट कराने तो 5 लोग या उससे कम लोग जब क्या हो पॉजिटिव आए, कोरोना कोविड पॉजिटिव आए, तभी उस क्षेत्र में क्या होना चाहिए, ढील देना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या था, एक तरफ पॉजिटिविटी रेट भी ज़्यादा थी, दूसरी तरफ हमने कई तरह की ढील दे रखी थी, उसके वजह से ऐसा हुआ। इसके अलावा कहा जा रहा है कि रैपिड टेस्ट जो है हमारे यहाँ ज़्यादा किए जा रहे थे, RT-PCR जो टेस्ट हैं वो कम किए जा रहे थे। रैपिड टेस्ट जानते हैं नॉर्मली टेस्ट होता है, आधे घंटे में आपको रिपोर्ट मिल जाती है, लेकिन वो सभी तरह के स्ट्रेन या वेरियंट को नहीं पकड़ पाता, जिसके वजह से जो रैपिड टेस्ट होता सही नहीं माना जाता। गोल्डन जो टेस्ट माना जाता है वह माना जाता है RT-PCR टेस्ट, इसकी संख्या कम की गई, जिसके वजह से जो नए वेरिएंट्स हैं उनको हम पकड़ नहीं पाए।
ये तो था हमारे जो है कि कुछ जो है कि हमारे यहाँ के जो विशेषज्ञ उनकी लैंसेट की राय क्या कहती है कि लैंसेट की राय कहती है कि सरकार ने कोरोना नियंत्रण पर जो प्रारंभ में जो मेहनत की थी उसके बाद क्या है वो सरकार बिल्कुल जो है कि यू टर्न ले लिया सरकार ने। और सरकार के विषय में कहा गया है कि इसने आत्म उकसावे वाली राष्ट्रीय तबाही को क्रिएट किया। समझिए कितनी खतरनाक लाइन बोली जा रही है कि पहले आपने लॉकडाउन लगाया, पहले चीज़ों को रोका, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी स्थिरता आई उस बीच आपको तैयारी करनी थी और आप क्या हुए चुनावों में व्यस्त हो गए। आपने धार्मिक उत्सवों को जो है कि उसके परमिशन दे दी और इसके अलावा बहुत से ऐसे कार्य किए जिनसे स्वास्थ्य सुविधा तो नहीं सुधरी, हाँ लोगों में क्या हुआ मेलजोल बढ़ा, लोग एक दूसरे के निकट आए और गैदरिंग को बढ़ावा मिला, ये कहा जा रहा। संकट के दौरान मोदी सरकार का जो कामकाज है वह लैंसेट कहता है कि माफ करने योग्य नहीं है, क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं यह इसको टाला जा सकता था, लैंसेट का यह मानना है। कहा गया है दूसरी लहर की चेतावनी देने के बावजूद और नए स्ट्रेन के मिलने के बावजूद सरकार के द्वारा ऐसा करना अर्थात कोई कड़ी नीति का पालन ना करना, चुनावों को ना टालना, चाहे आप विधानसभा चुनाव को ले लें, पंचायतों के चुनाव को ले लें, या धार्मिक जुलूस और धार्मिक उत्सवों को ले लें, शादी विवाह को लेकर ढील को ले लें, किसी भी प्रकार की चीज़ों को, इन सब चीज़ों के जबकि दूसरी लहर की चेतावनी दे दी गई थी, नए स्ट्रेन का पता चल रहा था, फिर भी सरकार ने इसको नज़रअंदाज किया, इसको एक कारण माना जा रहा है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि व्यापक संक्रमण जोखिम के बावजूद जो धार्मिक आयोजन की अनुमति दी गई, जो राजनीतिक रैलियों का आयोजन किया गया, टीकाकरण की जो नीति थी उसको सही से आगे नहीं बढ़ाया गया, राज्यों को साथ में नहीं लिया गया, राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन सही से नहीं किया गया, ये भी कहा गया। ये भी कहा जा रहा है कि सरकार ने महामारी को नियंत्रित करने के बजाय आलोचना को जो नियंत्रित करने में अपनी ऊर्जा और मशीनरी खर्च की उससे भी कोरोना बढ़ा है। अगर सरकार चाहती तो अपनी ऊर्जा को जो है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने में लगा सकती थी, उससे परिणाम थोड़े बेहतर साबित होते। ये भी कहा गया है कि मार्च के प्रारंभ में ही भारतीय स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की कि भारत में कोरोना खत्म होने को है और इससे लोगों में क्या हुआ एक जो है कि ऐसी स्फूर्ति आई, लोगों को लगा कोरोना समाप्त हो गया, लोग जो है कि पहले से ही थोड़े से लापरवाह थे अब ज़्यादा लापरवाह हो गए और इसके वजह से कोरोना बढ़ने लगा। लैंसेट ने कुछ सुझाव भी दिए, कहा है कि टीकाकरण अभियान को अभी भी तर्कसंगत रूप से लागू करना चाहिए, टीका की उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहिए, जो हम एक्सपोर्ट करके कई देशों को अपना वाहवाही लूट रहे थे उससे हमें बाहर आना चाहिए। ये भी कहा गया है कि जो स्थानीय स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको मजबूत करने की जरूरत है, उसके साथ मिलकर कार्य करने की जरूरत है, समयबद्ध तरीके से टीके और जो है कि सटीक आंकड़े दिए जाएं ताकि लोगों में भरोसा हो, लोगों को पता रहे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और लोगों का भरोसा सरकार पर रहेगा, उसकी नीतियों पर रहेगा, आंकड़ों पर रहेगा तो लोग भी ज़्यादा गंभीरता से लेंगे। संपादकीय जो लैंसेट की संपादकीय जो सभी चीज़ें आई हो एक के माध्यम से आई है उसी में कहा गया है कि द इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवोल्यूशन का जिक्र किया गया जिसके अनुसार भारत में 1 अगस्त तक लगभग 10 लाख लोगों की मौत हो सकती है और आप समझ सकते हैं कितनी घातक होगी। अब थोड़ा समझते हैं WHO की राय क्या है। तो WHO के प्रमुख वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने भारत में दूसरी लहर के लिए कई कारण बताए, उन्होंने भी कोरोना वायरस का जो नया वेरियंट कई वेरियंट्स आए उनको कारण माना है, टीकाकरण की धीमी रफ्तार को उन्होंने भी कारण माना है, नए वेरिएंट का जो प्रसार हो तेजी से हो रहा है इसको इन्होंने माना है, और ये भी माना है कि जो नए वेरिएंट्स हैं वो एंटीबॉडीज को बनाने की जो दर है उसको धीमा कर देते हैं, लोगों की लापरवाही, लोगों का एकत्रण, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करना उन्होंने भी इसको माना है, मास्क ना पहनने, टेस्ट में कमी आने के कारण जो है कि इसको भी कहा गया है कि इससे भी क्या हो रहा है भारत में ये जो दूसरी लहर उत्पन्न हुई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री और अन्य नेताओं की जो चुनाव रैलियां आयोजित हुई, जो अन्य जो है कि आयोजन हुआ उसको भी कारण माना गया है। अन्य समीक्षकों का क्या मानना है, तो अन्य समीक्षकों का मानना है कि सरकार की प्राथमिकता में आर्थिक और राजनीतिक क्रियाएं ऊपर थी ना कि स्वास्थ्य क्रियाएं, और इसके वजह से हम 1 साल पहले से जो हमें प्रयास करने चाहिए थे हम नहीं कर पाए, चाहे ऑक्सीजन को लेकर हो या PPE किट को लेकर हो या अन्य जो है कि बेड्स या फिर जो है कि वेंटिलेटर को लेकर हो। दूसरा कारण लोगों को बताया
बताया कि सरकार ने सिर्फ लोगों से अपील किया, कोई तैयारी नहीं की, अर्थात लोगों के फोन पर घंटी बजती थी कि 2 गज की दूरी है जरूरी, लेकिन सरकार ने अपने स्तर पर कुछ नहीं किया। ये भी कहा जा रहा है कि भारत में जो त्यौहार लगातार आते रहते हैं इसमें गैदरिंग होती है, ये भी एक कारण है। लोग अन्य समीक्षकों का कहना है कि जो स्वास्थ्य सेवाओं का लचर स्तर पहले से था अब क्या हो चुका है और सामने आ चुका है, और सरकार को पता होने के बावजूद कि स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत कमजोर हैं और 1 साल पहले से जो चेतावनी जारी की जा रही थी उसको नज़रअंदाज करने को इसके लिए जिम्मेदार माना गया है। कहा गया है कि सरकार ने जो विदेशी संबंधों को मजबूत बढ़ावा देने के लिए वैक्सीनेशन का जो एक्सपोर्ट किया वो भी एक कारण है। ये भी कहा जा रहा है कि आंकड़ों का सही से प्रसारण ना करने के कारण और सही उसके पीछे लोगों का भरोसा न होने के कारण लोग अपने हिसाब से जो है कि गोड़ा गणित लगाते रहे, अपने हिसाब से चीज़ों को देखते रहे, और यह सरकार की जो है कि एक तरह का सरकार पर जो है विश्वास की कमी को दिखाता है और इसकी वजह से यह आज हमें दिन देखना पड़ रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि सरकार द्वारा जो 1 साल पहले घोषणाएं की गई कि हम मेडिकल के क्षेत्र में इतने सुधार करेंगे वो भी नहीं किया गया, जनता में कोरोना की जानकारी और उसकी जो गंभीरता है उसको सही से प्रसारित ना करने के कारण भी ये चीज़ें देखने मिल रही। तो आई होप आप संक्षेप में समझ पाए होंगे कि किसके द्वारा किसको जो है कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इस वीडियो इतना ही, थैंक यू सो मच।